एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए, हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसे ही मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहे तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी, तेज धूप ओले बाढ़ आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप से उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उससे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवंतता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णीय आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।